नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस सस्ती रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए एडवांस मैथ में पार्ट नंबर 09 में कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न थे और जिनको दोस्तों हम बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाते हैं। यदि आप रेलवे NTPC या ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन कराते हैं आपके सारे प्रीवियस पेपर में पूछे रहते हैं और जिनको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, रोज आपके लिए एडवांस मैथ की क्लासेस लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के हमारे सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, एडवांस मैथ का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों मैंने हमेशा बताया एडवांस मैथ में एक चीज को हमेशा देखते हुए चलिए, आप यूनिट का हमेशा ध्यान दीजिए। देखिए इसी में यही वही नियम फॉलो होगा आपका यूनिट का, एक घन मीटर समतुल्य होता है। मतलब ये घन मीटर जो होता है किसके समतुल्य होता है, देखिए यहाँ घन मीटर बोला गया, यहाँ सेंटीमीटर में है। तो मैं दोस्तों हमेशा बताता हूँ आप यूनिट का ध्यान दिया करिए। देखिए जैसे आपका घन मीटर मतलब होता है, घन मीटर मतलब दोस्तों क्या होता है, क्यूब होता है। घन मतलब क्या होता है आपका, क्यूब होता है मतलब तीन होता है, तो तीन घात होती है, घन मतलब होता है। तो देखिए इसको हम कैसे आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखिए घन मीटर बोला है तो आप इसको तीन बार गुणा कर लीजिए, हो जाएगा एक मीटर गुणे एक मीटर, ठीक है आपका गुणे जो है एक मीटर, मतलब ये तीन बार गुणा हो गया तो समझो घन मीटर हो गया। अब इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो देखिए जितने भी आपके मीटर है इसको सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे। देखिए एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, गुणे फिर एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, फिर आपका दोस्तों एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब इनको गुणा करिए, देखिए 2 0 2 0 2 0 कितने में, 6 0। तो आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब जो है आपका यही है, इसमें 6 0 होंगे, 1 6 0 घन सेंटीमीटर होगा। मतलब बहुत ही सिंपल तरीका था, पर इसमें जो घन मीटर समतुल्य बोला था, घन मतलब क्या होता है, तीन बार गुणा तीन बार घाते होती है जिसकी, उसी को हम घन मीटर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों आपका, देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के भी प्रश्न आपके एडवांस मैथ में पूछे जाते हैं। एक सिलेंडर की त्रिज्या व आयतन किसी ठोस गोले की त्रिज्या व आयतन के समान है, तो सिलेंडर की क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा। देखिए क्या बोला है, समान है, और क्या आपका बोला है, समान है, त्रिज्या, त्रिज्या समान है दोनों की, जो एक ठोस आपका जो गोला है और आपका सिलेंडर है। देखिए सिलेंडर मतलब होता क्या, आप सिलेंडर मतलब समझे, तो ये बेलन को बोला, सिलेंडर मतलब क्या हुआ, बेलन का, तो इसका आयतन बता रहा। तो देखिए बेलन का आयतन हमारा क्या होता है, आपका बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, पाई आपका क्या होता है, आर स्क्वायर और एच होता है, ठीक है। और आपका जो गोले का आयतन, इसमें क्योंकि ठोस गोला बोला है तो आपको गोले का ही आयतन, गोले का आयतन क्या होता है आपका दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है पाई आर क्यूब। और इसमें देखिए त्रिज्या दोनों में सेम है, तो देखिए यहाँ भी आर माने हैं यहाँ भी आर माने, इसलिए त्रिज्या सेम है, दोनों की सिर्फ त्रिज्या सेम है, तो सेम है मतलब इसको हम बराबर रखेंगे। देखिए आपका एक त्रिज्या से एक त्रिज्या कट गई, एक त्रिज्या बची, आपका एक पाई से एक पाई कट गया, तो एच बराबर, तो एच बराबर क्या बचा आपका, 4/3 आपका क्या बचा, आर, आर मतलब क्या होगी, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 गुणे त्रिज्या, ये क्या है आपका एच बराबर आया, एच बराबर 4/3 त्रिज्या। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपका जो है RRB चंडीगढ़ ESW जो हुआ था एग्जाम 2004 में पूछा हुआ, कौन सा एग्जाम हुआ था आपका, एक ESM जो एग्जाम होता है उसमें 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है ये आपका RRB चंडीगढ़ में। देखिए क्या बोला है, 6 घन सेंटीमीटर के, ठीक है 6 सेंटीमीटर के घन से 3 सेंटीमीटर के आकार के कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, इस टाइप के मैंने प्रश्न आपको कराया हुआ है। देखिए एडवांस मैथ का पार्ट जिन लोगों ने पूरा देखा होगा, आपका जितने भी सीरीज हुई है वो लोग इसका अभी आसानी से आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए इसमें क्या बोला गया आपका, कितने घन काटे जा सकते हैं, तो देखिए इसको सिंपल तरीका कुछ नहीं करना, पहले हमें निकालना है बड़े घन का आयतन, क्या निकालना है, बड़े घन का आयतन निकालना है, ठीक है बड़े घन का आयतन निकालना, उसके बाद हमें दोस्तों क्या करना है, छोटे घन के आयतन से क्या करना है आपका, जो छोटे घन का जो आयतन है उसी से हम इसको भाग कर देंगे। देखिए बड़े घन का आयतन क्या है आपका, बड़ा घन है 6 × 6 × 6, ठीक है ये आयतन हो गया इसका, ठीक है। और उसके बाद जो छोटा घन है आपका क्या होगा, 3 × 3 × 3, इसको काटिए 3 × 2 = 6, ठीक है फिर 3 × 2 = 6, फिर आपका काटेंगे 3 × 2 = 6, तो मतलब 2 × 2 × 2 कितना होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों चलिए आज के हम अपने होमवर्क क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा हमारा होमवर्क क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, और जिन दोस्तों को नहीं पता है वो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ प्ले लिस्ट का, आप वहाँ पे जाके भी एडवांस मैथ के सारे आपके क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्लास पाने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के और अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।